अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खत को उतारा जा रहा है, ये पुराना खत लगा हुआ था उसको उतारा जा रहा है। अब इसके आगे देखते हैं खत कैसे लगता है। सबसे पहले आपने गाड़ी को तरमिया करना है, मतलब इसको साफ करके कंपाउंड करना है जहाँ जो जहाँ पे आपने खत लगाना होता है। उसके बाद खत पे दूसरे वाले साइड पे एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसको उतारना होता है, पानी देना पड़ता है, और जहाँ लगाना है उधर भी पानी देना पड़ना है। और उसके बाद आपने इसको मीज़ान करना है, मतलब जो सही जगह जहाँ पे इसकी वो आ जाती है धार है, इसको आप जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ इसको कंप्लीट कर रहा हूँ कि इसकी जो सही जगह है वहाँ पे खत लग जाए। जिस तरह ये पहले से फ्रंट वाले दरवाजे पे लगा था, दूसरे दरवाजे पे मैं लगा रहा हूँ, तो इसका अपना मकास होता है, अपना एक साइज़ होता है, अपना एक जगह होता है, वहाँ पे आपने इसको सही तरीके से रखना है। इसके बाद ये जो आपने येलो वाला मस्तरा देखा है इसको इसके साथ आपने करना है, स्क्रैबर करना है। ये वाला साइड कंप्लीट हो गया है, ये हम आपको दिखाते हैं, देख ले आप, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये अभी आपको नज़र आ रहा है जिस तरह आपने वो सारा प्रोसेस किया और खत लग गया, तो फिर आपने पूरा जो पानी नीचे लगा था वो उस येलो मस्तरे से निकालना है, मतलब इसको ज़ोर से स्क्रैप करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए दो तीन पाँच मिनट को वेट करें, उसके बाद ऊपर वाला ये जो प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा है एक तरफ से इसको निकालना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचें, क्योंकि आप इसको ज़ोर से खींचते हैं तो ये खत जो है ये अभी लगा है तो इसका जो पहला सर लगा हुआ है वो उतरना उतर जाता है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आखिरी सर है ये उतर रहा है, तो इसीलिए आपने इसको ध्यान से करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक जब उतर जाए और दोबारा आप इस खत को लगाते हो तो ये थोड़ा सा वो मीज़ान में भी फ़र्क आता है और ये हाथों से गंदा भी होता है। तो दोबारा आप अगर आप इसको लगाना चाहो तो फिर इसमें थोड़ा सा वो होता है, गंदा भी लगता है और मीज़ान भी इसका सही नहीं आता। आप हमारे साथ रहिए, ये एक वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाई है, दो तीन वीडियो पहले भी दिखाई है, अब ये भी दिखा रहे हैं, ये अब पूरा कंप्लीट हो गया है। ये है हाइलुक्स 2016। लोग इसको चेंज करते हैं, मतलब